दिस इज देवांश गांधी और यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के बारे में। तो यार क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, तो यार ये मेरा कॉलेज है और मैं यहाँ पर बीटेक एनआईटी का स्टूडेंट हूँ, बीटेक सेकेंड ईयर का इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यार आज मतलब इसका हम एक मस्त सा कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं कि वॉट आर द प्लेसमेंट्स, कॉलेज लाइफ, फीस, प्रोज एंड कॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि मतलब हर चीज के बारे में खुदाई करेंगे। और यार जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 2011। मतलब यार 2011 में इसका पहला बैच आया था बीटेक का, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कॉलेज स्टार्ट हुए हुए। फिर कोई सेंस है इस बात की? द क्लस्टर इनोवेशन सेंटर सीआईसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड अंडर द एगिस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यार पहली बात तो यार ये सरकारी कॉलेज है, मतलब लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड, और इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द एगिस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी कि यार ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है फिलहाल। तो यार ये एक लौता कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कि बीटेक ऑफर करता है। एंड इट हैज बीन फाउंडेड इन 2011, जो कि पहले ही बात हो गई, एंड इंट्रोड्यूस्ड इनोवेशन एज अ क्रेडिट बेस्ड कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो यार ये जो इनोवेशन नाम का शब्द है ना, ये इस वीडियो में बहुत बार आने वाला है। मतलब एक तो हमारे कॉलेज के नाम में ही इनोवेशन है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। That's the wrong number. तो यार अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी के बारे में। तो यार इट इज सिचुएटेड इन द प्रेस्टिजियस नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस। तो यार नॉर्थ कैंपस यार मतलब एक बहुत मस्त जगह है यार। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो जिन्हें नहीं पता होगा मैं बता देना चाहूँगी, यार नॉर्थ कैंपस एक बिल्कुल मस्त जगह है। इट्स जस्ट लाइक अ कॉलोनी ऑफ कॉलेजेस। मतलब भैया कॉलोनी का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो यार? कॉलोनी का मतलब देखो ये है कि अगर मैं बोलूं कि एक तरफ सेंट स्टीफन, सामने हिंदू कॉलेज, और थोड़ा सा आगे चलो रामजस, उसके पीछे केएमसी, और उसके सामने हंसराज कॉलेज, और थोड़ा सा अगर हम साइड लें तो एसआरसीसी, डीआरसी, मिरांडा हाउस, मतलब यार जो मतलब टॉप कॉलेजेस है ना, बिल्कुल जो मतलब यार अभी कोई सेंस है इस बात की? करंटली एनआईआरएफ रैंकिंग भी रिलीज हुई है, तो उससे भी आप देख सकते हो कि जो बिल्कुल टॉप कॉलेजेस हैं वो नॉर्थ कैंपस में है यार, और अपना सीआईसी भी यार वहीं पे ही है। तो यार अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। बाय एयर अगर हम बात करें तो यार इट इज 19 किलोमीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम इंदिरा गांधी आईजीआई एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई दिल्ली। तो और मतलब कि यार 19 किलोमीटर दूर है अपने दिल्ली के एयरपोर्ट से, आईजीआई एयरपोर्ट से। फिर बात करें अगर रेलवेज की तो इट्स 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भाई लोग 7.5 किलोमीटर दूर है केवल। और अगर बात करें यार हम दिल्ली मेट्रो की, तो जो दिल्ली वाले बच्चे होंगे यार, जो दिल्ली एनसीआर वाले होंगे, मतलब दिल्लीआइट्स होंगे यार, वो रोज इसी से ही आएंगे अपना बैग लटकाते हुए। तो उसके यार उनके लिए जस्ट देर इज 2 मिनट्स वॉक फ्रॉम विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। या बच्चे जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स भी होंगे यार, तो वो इसके मैक्सिमम लोग इसी के थ्रू आएंगे। तो यार जब अबे साले तभी मेरे माफ आप लोग विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर निकलोगे, तो मतलब हमारे कॉलेज की जो पीछे सीआईसी के पीछे जो आउटडोर स्टेडियम है उसकी फ्लड लाइट्स जो है, मतलब आपको वो दूर से ही दिख जाएंगी। और फिर यार बस आप चलना, हार्डली 2 मिनट्स यू हैव टू वॉक, और आपको मतलब एक खूबसूरत सी सीआईसी की बिल्डिंग दिख जाएगी। फिर यार बात कर लेते हैं कोर्सेज एंड स्ट्रीम ऑफर्ड के बारे में। तो यार कोर्सेज यार 3 कोर्सेज ऑफर होते हैं यार सीआईसी में, मतलब सीआईसी ऑफर्स 3 कोर्सेज। इसमें यार बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। हा, इनोवेशन दोबारा आ गई। तो और मतलब यार मेन बात जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक डिग्री। मैं यार करंटली सेकेंड ईयर में हूँ बीटेक की इन आईटी। और दूसरे यार बाकी जो 2 कोर्सेज हैं वो हैं यार बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, और तीसरा है यार एमएससी इन मैथमेटिकल एजुकेशन। लेकिन यार इस वीडियो में हम लोग सिर्फ केवल बीटेक के बारे में ही बात करेंगे, हम यहाँ पर बाकी दोनों कोर्सेज के बारे में नहीं बात करेंगे। मैं क्योंकि खुद भाई मैं बीटेक का ही बच्चा हूँ, तो मैं बीटेक के बारे में ही अच्छा रिव्यू कर सकता हूँ। तो यार अब बात करते हैं फीस के बारे में। यार फीस ना मतलब यार तुम खुश हो जाओगे यार ये चीज देख के, मतलब बहुत खुश हो जाओगे। और अगर तुम ना भी खुश हुए तो तुम्हारे यार पेरेंट्स तो मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे यार।
फीस यार यहाँ पे है 5,000 पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर 5,000 ओनली। और यार 1,000 रुपीज यहाँ पे वन टाइम लगेगा यार, और वो रिफंडेबल है यार। ये लाइब्रेरी चार्ज होता है, ये तुम्हें यार पहले सेमेस्टर में देना पड़ेगा, और वो भी यार रिफंडेबल है। मतलब जब तुम 8th सेमेस्टर में यार कॉलेज छोड़ोगे बाद में, तो तुम्हें यार बड़े ही सम्मान पूर्वक 1,000 रुपए तुम्हारे यार वापस कर दिए जाएंगे बिना किसी जद्दोजहद के। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। और यार बात करें तो इसी से यार देख सकते हो तुम, तो पहले सेमेस्टर में 6,000 और बाकी मतलब तुम मिला के यार 40,000 रुपए में यार, मतलब 8 सेमेस्टर का तुम खुद कैलकुलेट कर लो, 5 × 8 तो 40,000 में यार तुम्हें यहाँ पे बीटेक पड़ेगी। जो कि अभी तुम जब देखोगे यार प्लेसमेंट्स और बाकी फैसिलिटीज, मतलब यार रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यार मस्त है यार इस कॉलेज का, मतलब वसूल है यार ये पूरे पैसे। ये बात करते हैं यार मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, कि भैया आप इतनी देर से बता रहे हो, इतनी इतनी तारीफें कर रहे हो, तो मोड ऑफ मेनी हम अंदर घुसेंगे कैसे कॉलेज के? तो यार देयर विल बी एन एंट्रेंस टेस्ट, DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, विच विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये भाई जेई वाले लॉन्डो और सबको, मतलब जेई वाले बच्चों को सबको पता होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब तो यार नीट वालों को भी पता है, मतलब वही। तो यार ये NTA कंडक्ट करवाता है DU के साथ मिलकर। DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और यार मेन बात यहाँ पर यार, ये बहुत बच्चे इसमें हर बार इसमें मतलब पंगा करते हैं, कि JEE स्कोर वोंट बी एक्सेप्टेड। हर 2-3 बार मतलब बच्चे मेरे से पूछ चुके हैं पहले कि भैया JEE मेन्स या एडवांस का स्कोर एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं भाई कुछ नहीं होगा, आपको यही देना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट, जो ये DUET होगा, और इसी की यार एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ आएगी उसी के बेसिस पे आपका CIC में BTECH में एडमिशन होगा। तो यार मतलब समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। फिर यार बात करते हैं, सो देयर विल बी एन MCQ बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड एट द वेरियस टेंथ सेंटर। तो यार ये MCQ बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा यार, ये मैं बता दूं यार, ये 400 नंबर का पेपर होता है। इसमें यार 100 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्कर ईच, और -1 यार इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और अभी सिलेबस के बारे में भी इसमें देख लेते हैं। तो यार ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया इसके टेस्ट सेंटर्स होंगे यार, जो भी NTA अनाउंस करेगा इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर बात करते हैं यार एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस के बारे में, कि हम यहाँ पर आए तो हमारे मतलब क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन हम फुलफिल करें कि हम यहाँ पे हमें यहाँ पर आना अलाउड होगा। तो यार द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इन 10+2 लेवल एज स्पेसिफाइड। यार ये सब लिखा है कि जनरल कैटेगरी EWS में 60% इन एनी 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। यार ये तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स हैं 12th क्लास के। और OBC के यार 54%, PH कैटेगरी यानी अच्छा OBC के यार 54% हो गए, और यार SC ST के लिए सिर्फ केवल पासिंग मार्क्स से ही काम चल जाएगा आपका, और मैथमेटिक्स लेकिन आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो द स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो यार जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आप एग्जाम दे दोगे उसके यार कुछ मतलब लगभग हफ्ते 10 दिन बाद NTA जो है आंसर की रिलीज कर देगा, और मतलब आप चेक कर सकते हो आपका स्कोर कितना है। बाकी विद इन 15 डेज, 2 वीक्स या 15 to 16 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बेसिस पे यार पहला काउंसलिंग वो होगा, मतलब जैसे यार जोसा की काउंसलिंग होती है, जैक की होती है, तो इसी में यार ऐसे 2-3 राउंड होंगे और लास्ट एक स्पॉट राउंड होगा। तो इसके अंदर फिर हम जो है कॉलेज में आपके एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये आएगा कि आप आर यू एलिजिबल टू टेक एडमिशन। और वो अगर आप हो गए तो यार आपको DU के पोर्टल पे ऑनलाइन जो है उसकी एडमिशन फीस पे करनी होगी, और उधर से कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर यार बात करते हैं द रिटन एंट्रेंस टेस्ट। तो यार ये 2 घंटे का होगा, और इसका जो सिलेबस है वो ये है, JEE वाला सिलेबस नहीं है यार इसमें। पहले तो मैं बता दूं सिलेबस जो है उसमें मैथमेटिक्स आएगी यार 10+2 लेवल। यार इसमें लिखा 10+2 लेवल है, लेकिन ऐसा मत समझना कि हलवा सी एकदम NCERT आ जाएगी मैथ्स की, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल यार। मतलब JEE मेंस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में JEE मेंस से ऊपर होंगे, और कुछ कुछ कह सकता हूँ मैं थोड़े नीचे होंगे, मतलब बिट्स के पेपर से, बिट साइट के पेपर से ऊपर होंगे, मेंस से नीचे होंगे। तो यार ऐसा मिक्सचर सा होगा, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन यार ओवरऑल अच्छे लेवल के आते हैं। इसकी यार मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, जिसमें हम एक बार डिस्कस कर लेंगे इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, और कौन सी बुक से यार हमें पढ़ना चाहिए मैथ्स वगैरह, ये रीजनिंग वगैरह जो भी है। 1 मिनट रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग यार आपको पता ही है कि मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपने यार पहले भी मतलब ओलंपियाड वगैरह दे रखे होंगे, तो उसमें यही क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब ब्लड रिलेशन वाले आ गए आपके,
ऑब्जेक्ट्स वाले आ जाते हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई, मिरर इमेज की तरह उन्हें आइडेंटिफाई करो उस टाइप से। यार मतलब कुछ इजी भी होते हैं लेकिन कुछ टफ भी होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी का सेक्शन थोड़ा टफ था प्रीवियस ईयर जब मैंने पेपर दिया था। यार मुझे टफ लगा था ये सेक्शन, टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि पूरे पूरे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे जेई एडवांस में नहीं आते, ये एक पैराग्राफ आ जाएगा। यार जेई एडवांस का नाम सुन के ना पहले यार तुम डर मत जाना, वैसा इतना इतना तगड़ा लेवल नहीं होने वाला। लेकिन हाँ तो उसमें एक पैराग्राफ होगा यार, तो उसके बेसिस पे चार पांच क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, लेकिन उसमें पैराग्राफ पढ़ने में यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, तो इसलिए उससे मुझे अच्छा लगा कि इतने में तो मेरे चार पांच मैथ्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे, तो मैंने मतलब मैथ्स ही ज्यादा करी। और यार मैं एक चीज और बता दूं कि मैथमेटिक्स इसमें जो है अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, मैथमेटिक्स विल बी अराउंड 60-70%, मतलब 60-70% ऑफ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन, रेस्ट 30-40% विल बी रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हमें हो गई। अब बात करते हैं यार आगे, तो यार ये है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स यार 2021 में यार ये कॉलेज की साइट पे लिखा है, और यार कॉलेज की साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एक हमारी एक और साइट है सीनियर्स के द्वारा बनी हुई ऑल अबाउट सीआईसी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से यार खोल लेना। ये काफी सारी चीजें तो आपको यार साइट पे ही पता लग जाएंगी, आप प्रीवियस कट ऑफ भी वहां पे चेक कर सकते हो, फिर भी यार मैं बता देता हूँ एक बार। तो इसकी अगर हम बात करें तो 2020-21 में देयर विल बी यार 50 सीट्स इन बीटेक आईटी एंड एमआई, और यार उनका वेटेज कुछ इस प्रकार है कि जनरल कैटेगरी देयर देयर विल बी 20 सीट्स, ईडब्ल्यूएस 5 सीट्स, ओबीसी 14, सो ऑन। ये और 9 सीट्स यार सुपर नंबरी होंगी। इसमें यार ये जो सुपर नंबरी सीट्स होती हैं, आप पूछोगे कि भैया सुपर नंबरी सीट्स क्या होती हैं, उसमें अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यू कैटेगरी की 3 सीट्स आएंगी, सीडब्ल्यू कैटेगरी यार सीडब्ल्यू आर्म फोर्सेस वाले होते हैं यार, जिनके मतलब जिनके पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में, लाइक आर्मी नेवी एयरफोर्स टाइप जो भी हो गया, तो उसकी यार 3 सीट्स हो गई, और फॉरेन नेशन 3 सीट्स हो गई। तो पीडब्ल्यू 3, सीडब्ल्यू 3 और फॉरेन नेशंस की 3। अब यार यहाँ पे एक बात लिखी है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ सीट्स। अब ये बात है कि मतलब यार काउंसलिंग के टाइम वो चेंज कर सकते हैं कि मेरा दिमाग ना खाना बाद में कि भैया आपने इतनी बताई थी और हमें इतनी सीट्स के अकॉर्डिंग ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। तो इसमें अब देखो यार होता तो वैसे ही है, लेकिन हाँ ये फिर भी एक तरीके से लोग लिख दे मतलब यूनिवर्सिटी लिख देती है अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखने के लिए, समझ गया यार तुम। और मेन बात यार ये भी है कि जो 9 सुपर नंबरी सीट्स होती हैं, कभी कभार स्पॉट राउंड में इन्हें कॉमन रैंक लिस्ट सीआरएल में कर देते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में कर देते हैं जब बच्चे नहीं हो रहे होते इसके अंदर। ठीक है, फिर अब बात करते हैं यार कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ की बात करें यार, तो मैंने यार पिछले 2-3 साल के ट्रेंड्स ऑब्जर्व करे हैं, और ये मैंने यार मेरा ओन ओपिनियन है, इट मे वेरी स्लाइटली ईयर टू ईयर, मतलब इस साल यार ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग यार जनरल कैटेगरी में योर रैंक मस्ट बी इन टॉप 40, मतलब जो यार ऑल इंडिया पिछले साल यार 9,000 से 10,000 बच्चों ने पेपर दिया था इसका, DUET NTA के द्वारा जो ये बीटेक का था, तो यार इसमें अराउंड 38 या 39 के उस पे रैंक पे जो है जनरल कैटेगरी में क्लोज हो गई थी। तो यार और मैंने पिछले साल का देखा तो 41, तो रफली हम 40 लगा सकते हैं, हाउ एवर इट मे चेंज और वेरी ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिर यार इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, एक्चुअली इट कैन वेरी अ बिट, मतलब यार फील आ गई यार, तुम समझ गए। तो यहाँ तक यार बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जिम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की। भैया यार हम कॉलेज आ रहे हैं तो हम केवल हम सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना करेंगे, हम वैसे ही 11th 12th में पक पका के कॉलेज आ रहे हैं कि मतलब इतनी पढ़ाई, इतना भारी जेई का बोझ, जेई मेंस का, जेई एडवांस का, बोर्ड का, इतना सब पढ़ पढ़ा के आ रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा माइंड फ्रेश करना है। लड़े मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, ते इन्हें बर्गर खवाओ, इन्हें लेके चलो लाहौर, उठे पराठे खवाओ, कढ़ाइयां खवाओ, इन्हें टेढ़े टेढ़े वड्डे कराओ, ये क्या हो रहा है इधर हम।
तो यार जिम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं बिल्कुल थ्रू DU स्पोर्ट्स काउंसिल, या DU की स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके थ्रू यार आपको एक कार्ड भरना पड़ेगा, उसका आप एक एंट्री कार्ड बन जाएगा बिल्कुल। यार CIC के पीछे ही ठीक पीछे एक आउटडोर स्टेडियम है यार, बड़ा ही प्यारा सा। मतलब जब यार तुम कैंटीन में बैठोगे ना सुबह सुबह, और जब बाहर तुम देखोगे मतलब वहां से यार बहुत सही व्यू है आउटडोर स्टेडियम का, मतलब यार तुम्हें मजा आ जाएगा, ऐसे लगेगा CIC आना सफल हो गया। और यार सामने ही एक इंडोर स्टेडियम है यार पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का यार, मतलब बहुत मस्त है यार, बहुत बढ़िया है। और वहां पे यार बहुत सारे गेम्स हैं, गेम्स लाइक बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, तो यार आउटडोर स्टेडियम के हो गए एटसेट्रा आर अवेलेबल। देयर इज एन इंडोर एंड आउटडोर स्टेडियम, वेल इक्विप्ड जिम। यार जो मतलब जिन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक है यार वो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि यार यहाँ पे एक वेल इक्विप्ड बहुत बढ़िया जिम है। लेकिन वैसे इसमें ट्रेनर नहीं है, बस एक थोड़ा सा डीमेरिट है जिम का कि ट्रेनर नहीं है। तो आप अपना यार कुछ नहीं, यूट्यूब पे एक्सरसाइज सीख के अपना लगे रहना। इधर हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते, कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार। भाई जज्बा सिंसियरिटी होती है ना जब, तो आपको पता होता है मैंने कितना खाना है, कितनी कैलोरीज अंदर लेके जानी, कितनी मैंने ट्रेनिंग करनी है। आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो, मजाक हो रहा है। बताती यार फैकल्टी की कि यार भैया कॉलेज में फैकल्टी कैसी होगी, कौन होंगे वो लोग जो हमें पढ़ाएंगे। तो यार हाईली क्वालिफाइड वन ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम होल्ड अ PhD डिग्री फ्रॉम IIT, सम ऑफ द प्रोफेसर्स हैव एक्सीलेंट टीचिंग मेथड्स, वाइल फॉर सम यू मे फाइंड देयर क्लासेस बोरिंग। तो यार जैसे मतलब एक सरकारी कॉलेज का एक ओवरव्यू होता है कि मतलब क्या बताऊं मैं, जैसे IITs, NITs हो गए यार, IIITs का तो यार थोड़ा कोर्स करिकुलम ज्यादा हैवी होता है, उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे IITs, NITs हो गए, हमारे NSIT, DTU हो गए, तो उस टाइप का ही कल्चर, उस टाइप का कल्चर आपको यहाँ पे ही देखने को, मतलब वैसा सेम कल्चर ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं यार प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के बारे में। मतलब यार ये पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है कि भाई हमारा बच्चा CIC आएगा तो सही, लेकिन आगे क्या करेगा। और बच्चे भी भाई कहेंगे कि भैया 4 साल के बाद हमें क्या मिलेगा। कोई सेंस है इस बात तो यार देयर आर अराउंड 45 to 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास पर ईयर, और तो देयर आर अराउंड यार 45 to 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास पर ईयर, आउट ऑफ विच अराउंड द टॉप 30% ऑफ स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 12 to 15 LPA, लैक्स पर एनम। यार 45 to 50 स्टूडेंट्स है जैसा कि मैंने बता दिया, इस बार सीट्स बढ़ गई हैं अकॉर्डिंग टू द CIC वेबसाइट, बाकी अभी बाद में ही पता लगेगा। तो यार 45 to 50 स्टूडेंट्स का ही एक पर ईयर बैच होता है, तो ज्यादा बड़ा बैच है नहीं। उसमें यार टॉप 30 to 35% स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एवरेज सैलरी ऑफ अबाउट 12 to 15 LPA लेके अपना यार प्लेस हो जाते हैं कंपनीज। तो यार अब तक जो 6 batches ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव बीन पास सो फार हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपनीज लाइक फेसबुक, IBM, जोमैटो, पेटीएम, MU सिग्मा, सैमसंग, सो ऑन सो ऑन। अब यार एक बात मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CIC डजंट हैव इट्स ओन प्लेसमेंट सेल। यार CIC के अंदर उसका खुद का प्लेसमेंट सेल नहीं है, बिकॉज CIC में प्लेसमेंट्स को प्रमोट ही नहीं किया जाता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। CIC वाले चाहते ही नहीं कि बच्चे प्लेस्ड हों, वो इससे भी बड़ी चीज चाहते हैं, घबरा मत जाना। CIC वाले इससे भी बड़ी चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे यार CIC वाले चाहते हैं यार कि बच्चे अपनी ही एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दिखाएं, अपने अपने स्टार्टअप्स खोलें यार, मतलब यार वो जॉब क्रिएटर्स बने यार, मतलब जैसे वो अपने प्राइम मिनिस्टर का भी एक स्लोगन है ना कि मतलब वो जॉब्स सबको यार, बाकियों को एम्प्लॉयमेंट दे यार, खुद एम्प्लॉयड ना हो बाकियों को एम्प्लॉयमेंट दे, तो यार मतलब बड़ी सोच है। लेकिन फिर भी यार अभी बात करेंगे, एक इंडस्ट्री आउटरीच सेल भी है, बाकी यार ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स यार आजकल बहुत कॉमन चीज है, तो यार उसमें भी बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया यार बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को फोड़ देते हैं यार। जैसे यहाँ पे हम बात करें, जैसे फेसबुक की बात करी यार, उसके बाद स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन PhD इन द टॉप मोस्ट कॉलेजेस लाइक दिस दिस दिस। तो यार अगर इसकी बात करें, एक एक यार पॉइंट में यहाँ पे भूल गया, वो ये था कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज वाइल सम ऑफ देम इंडल्ज इन देयर स्टार्टअप्स। तो यार वही बात करी मैंने कि बाकी बच्चों में से जो है ये मास्टर्स या कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू कर लेते हैं फ्रॉम टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, फॉरन यूनिवर्सिटीज और इंडियन यूनिवर्सिटीज कोई भी हो गई। एग्जाम्पल यार जो अब तक का सिनेरियो देखा गया CIC में, वो यार उसमें बच्चे गए यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टलैंड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, UCLA, ऑक्सफर्ड, ट्रिनिटी डब्लिन, IICR, PhD, विच इज वन ऑफ द हाइएस्ट इन द कंट्री। और यार एक अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले एक 100th percentile इन कैट, मतलब यार एक बच्चे की 100th percentile आई थी कैट में, वो पता नहीं IIM में है या पता नहीं कहाँ है, ये मुझे नहीं पता।
फिर अगर हम बात करें यार इंटर्नशिप्स के बारे में, तो यार मतलब इंटर्नशिप्स ये सीआईसी की लाइफ में यार तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मतलब भगवान शब्द रहने वाला है यार। मतलब क्या रे लगे? ये कह सकते हैं कि यार इस कॉलेज का सबसे बड़ा मतलब मैं कहूंगा एडवांटेज है कि आप इंटर्नशिप्स के लिए बहुत ज्यादा आपको जो है, अगर बात करें यार हम इंटर्नशिप्स की, तो यार इंटर्नशिप्स की अगर हम बात करें तो यार सीआईसी में मतलब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प की जाएगी, बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब एक एडवांटेज की चीज होगी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर यार आपको इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी पड़ेगी आपको, मतलब वैसे यार ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, प्लस ये आपके लिए यार फोर्थ ईयर तक आते आते बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा क्योंकि इससे आपका जो है मतलब अगर आप एक अच्छी कंपनी के अंदर फिर इंटर्नशिप करते हैं तो यार आप आपको मतलब पीपीओ दे देती है, पीपीओ यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर, और उसमें यार बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं। तो इंटर्नशिप्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हैव इंटर्न इन द कंपनीज लाइक एप्पल, अमेजोन, इंटेल, मारुति सुजुकी, गो आई बीबो, डीएमआरसी। यार ये डीएमआरसी दिल्ली वाले बच्चों को बिल्कुल अच्छे से पता होगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीआरडीओ इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन, एंड आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे यार मतलब किसे नहीं पता, इंडिया का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यार ये बात हो गई प्लेसमेंट चीज, मैं इसमें स्पेसिफाई करना चाहता हूँ वो ये है कि जो स्टार्टअप्स का यहाँ पे पॉइंट है यार, कॉलेज का ही एक अपनी बिल्डिंग है अलग से डीआईसी के नाम से, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, उसकी भी हम बात करेंगे। तो यार वहां पे अगर आपका आइडिया अच्छा है स्टार्टअप का, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अप टू 10 लाख की फंडिंग मिलती है यार, अप टू 10 लाख की। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। दैट्स द रॉन्ग नंबर। फिर बात करते हैं यार एकोमोडेशन के बारे में कि भैया कॉलेज के बाद हम थके हारे कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो यार इसकी बात करें तो हॉस्टल की अगर हम बात करें, फॉर बॉयज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ हॉस्टल, ओनली 5 to 7 seats आर अवेलेबल, सो हॉस्टल सीट इज मेनली गिवन अपॉन योर मार्क्स एंड रैंक कैटेगरी वाइज इन द एंट्रेंस एग्जाम। यार बॉयज के लिए हॉस्टल मिलना मतलब किसी जंग जीतने के बराबर है यार सीआईसी में, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं यार, और उसमें भी आप मतलब आप देखोगे कि मतलब आपकी रैंक कैटेगरी वाइज अगर मैं कहूँ तो टॉप 1 या 2, अगर मतलब अलग अलग कैटेगरी होगी जैसे जनरल हो गई, ओबीसी, एससी, एसटी, सो ऑन, तो इसमें मतलब एक एक बच्चे को ही ऐसे तो 5-7 बच्चों को ही हॉस्टल मिल पाता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लेकिन अगर वही हम बात करें गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए यार बहुत इजी है हॉस्टल मिलना, बस ये नॉर्म्स हैं यार हॉस्टल मिलने के लिए, ये दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों फुलफिल करने चाहिए कि मतलब आपकी रैंक भी अच्छी आ गई, आप कहोगे भैया हॉस्टल नहीं मिल रहा, तो यार ये दोनों क्राइटेरिया हैं ये आपके फुलफिल होने चाहिए। द कैंडिडेट शुड नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एनसीआर, यार बच्चा दिल्ली एनसीआर का नहीं होना चाहिए, और द डिस्टेंस ऑफ देयर हाउस फ्रॉम कॉलेज शुड बी ग्रेटर देन 70 किलोमीटर, मतलब आपका घर 70 किलोमीटर से दूर होना चाहिए कॉलेज से, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एंड मौके पे यार बच्चों के फॉर्म्स कैंसिल हो जाते हैं मैंने देखा है, तो इसलिए यार ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यार हम अदर वेज ऑफ अकोमोडेशन के बारे में कि भैया अगर हमें हॉस्टल ना मिला और हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है दिल्ली में तो हम कैसे रहेंगे। तो यार अदर वेज ऑफ एकोमोडेशन की यार कोई प्रॉब्लम नहीं यार, नॉर्थ कैंपस मैंने कहा कि यार मतलब बहुत मस्त जगह है यार, बहुत सारे बच्चे रहते हैं यार यहाँ पे, इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं। तो अदर पीजीज एंड फ्लैट्स इन द नियर बाय लोकेलिटीज लाइक कमला नगर, रूपनगर, मलकागंज, विजयनगर एटसेट्रा, मतलब यार बहुत सारे तुम्हें पीजी फ्लैट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन यार इनकी कॉस्ट थोड़ी हाई होगी हॉस्टल के मुकाबले, मतलब ट्वाइस या थ्राइस हो सकती है। बट यार अब कॉलेज की फीस जब इतनी कम है तो यार मतलब यहाँ पे यार हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं यार, तुम समझ गए मतलब। तो यार पीजी भी मिल जाता है, फ्लैट भी मिल जाता है, फ्लैट के केस में यह है कि तुम अपने क्लास के 3-4 बच्चे लेके एक मतलब कंबाइन करके अपना कंट्री करके फ्लैट ले सकते हो, वहां पे रह सकते हो, खाना बनाना खुद ही सीख लेना और खुद ही बनाना। फिर बात करते हैं यार फेस्ट के बारे में। तो यार कॉन्वोक इज द टेक फेस्ट ऑफ सीआईसी व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली, यार कॉन्वोक हमारा एक टेक फेस्ट है कॉलेज का, और यार ये हर साल होता है अक्टूबर में या नवंबर में होता है। और फिर बात करते हैं यार एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार फेस्ट को लेकर यार निराश मत होना, अकेला कॉन्वोक नहीं है, मतलब यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी फेस्ट में तुम यार जा सकते हो, योर एंट्री विल बी फ्री। गर्ल्स कॉलेज में कभी कभार थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यार मतलब मस्त फेस्ट होते हैं यार, बहुत सही क्राउड होता है। एसआरसीसी और हिंदू कॉलेज के तो मतलब क्या ही कहने, इनके फेस्ट यार मतलब बहुत फेमस है यार ये, तो यार इजीली तुम वहां जा सकते हो,
मजे ले सकते हो यार। मतलब फेस्ट में ना तुम देखोगे यार, मतलब लोग पागल वागल से हो जाते हैं, तुम्हें फुल एक मतलब मस्त माहौल मिलेगा वहां जाके, पूरे चिल रहना, फुल मजे लेना यार वहां पे। साले तभी मेरे माँ फिर बात करें यार अगर अटेंडेंस क्राइटेरिया की, तो अटेंडेंस क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स, 2/3 अटेंडेंस यार कंपलसरी है, लेकिन थोड़े कम में भी काम चल जाता है। लेकिन यार उसी केस में अब दिक्कत ये आएगी कि तुम्हारे यार फिर इंटरनल्स वगैरह के मार्क्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रोफेसर वगैरह यार थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर तुम रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करोगे इसलिए। अदर फैसिलिटीज में यार एक कैंटीन है हमारे सीआईसी की, एक सही सी कैंटीन है, मतलब वहां से व्यू बहुत अच्छा है, एक बाकी ठीक ठाक सी कैंटीन है, सही लगेगी यार तुम्हें वो। और रोबोटिक्स लैब है यार, रोबो लैब यार मैंने देखा, मतलब यार बहुत लोग वहाँ रहते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, मतलब मैंने रोबो लैब में यार रोबोटिक्स लैब में एनकरेजमेंट बहुत ज्यादा देखा है, खासकर बीटेक वाले स्टूडेंट्स का। फिर यार एक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, और इलेक्ट्रॉनिक्स यार एक मतलब आपके पास एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा बाद में सेकेंड थर्ड सेम में, तब आपको पता लग जाएगा। फिर यार एक इंजीनियरिंग किचन है, इंजीनियरिंग किचन ई के हम इसे बोलते हैं यार, इसे अगर मैं इजी भाषा में बोलूँ तो यार एक तरीके से एक फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब है, जहाँ पे मतलब सुनते नहीं हो यार बीटेक में वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं तुमसे, तो यार मतलब उसी टाइप की चीजें यहाँ होती हैं, मतलब हमें कुछ डिवाइसेस दे देंगे उसे खोलो भाई, मतलब एक तरीके से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं अपन लोग यहाँ पे जाके। फिर यार बात आ गई डीआईसी की, वही मैंने बताया डीआईसी डिजाइन इनोवेशन सेंटर, यार ये मतलब इंडिया में बहुत कम है, एक तो मैंने सुना है शायद आईआईटी बॉम्बे में है, एक यार हमारे कॉलेज के जस्ट बिल्कुल पास है, और यार यहाँ पे तुम्हारे यार स्टार्टअप्स के लिए मेनली तुम्हें प्रमोट किया जाएगा, और यहाँ पे अगर तुम्हारा स्टार्टअप आइडिया अच्छा है तो तुम्हें डेफिनेटली यार अप टू 10 लाख की फंडिंग इजिली मिल जाएगी, अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा है, तुम्हारे आइडिया में दम है, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है। फिर यार बात करते हैं अदर फैसिलिटीज में, लैन की और हाई स्पीड इंटरनेट, यार कॉलेज में पूरा वाईफाई है, कॉलेज में पूरा कैंपस ही यार नॉर्थ कैंपस वाईफाई मिलेगा तुम्हें, डीयू का वाईफाई चलता है, और बाकी बाकी कॉलेज में हर क्लास में यार तुम्हें लैन फैसिलिटी मिलेगी, मतलब मस्त 100 Mbps की स्पीड आएगी उसमें। और लाइब्रेरी यार, लाइब्रेरी में मैं दो पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि लाइब्रेरी यार इसमें दो टाइप्स की हैं, एक तो यार अपने सीआईसी की लाइब्रेरी है, और एक अगर सीआईसी की लाइब्रेरी में भी तुम्हें यार लगे कि बुक्स नहीं है, तो यार एक सेंट्रल साइंस लाइब्रेरी है कॉलेज से जस्ट 1 मिनट के डिस्टेंस पे ही, 1 मिनट चलना तुम्हें, और वहाँ पे सेंट्रल साइंस लाइब्रेरी यार, वहाँ पे मतलब यार किताबें ही किताबें हैं, वहाँ आराम से बैठ के पूरी रात पढ़ना अगर तुम्हारा पढ़ने का मन हो, वैसे ऐसा होने नहीं वाला। कोई सेंस है इस बात की? और यार सीआईसी की लाइब्रेरी भी अच्छी है, वहाँ तुम बैठ सकते हो यार अपना, तुम्हें कुछ काम वाम करना तो यार वहाँ बहुत शांति रहती है, वहां से भी तुम बुक्स ले सकते हो एंड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं यार सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, गुड थिंग्स अबाउट सीआईसी की, मतलब यार हम सीआईसी में एडमिशन लेंगे तो हमें क्या फायदे होंगे, मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स की, यार उसके छोटे मोटे जो नुकसान हैं वो क्या हैं। जो यार फायदे हैं वो तो उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेजिंग कोडिंग एनवायरमेंट, यार कोडिंग एनवायरमेंट तुम्हें कॉलेज में बहुत सही मिलेगा यार, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होंगे जो मतलब अलग अलग लाइब्रेरी में कैंटीन में बैठ के अपना कोडिंग कर रहे होंगे, बच्चे आपस में डिस्कस करके मतलब कोडिंग वगैरह सीख लेते हैं। इसमें यार ये मत घबराना कि तुम्हारे पास पहले 11th 12th में सीएस ब्रांच वो सीएस थी, कंप्यूटर साइंस थी या नहीं थी, उससे फर्क नहीं पड़ता यार, तुम आके कॉपअप कर लोगे। फिर बात करें यार एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि यार सीआईसी के अंदर जब आप पहले सेमेस्टर से ही आप देखोगे कि आपको कोडिंग एज अ सब्जेक्ट मतलब एक प्रोग्रामिंग एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो यार वो काफी बेनिफिशियल होती है 4th ईयर तक आते आते, तो वो दैट रियली हेल्प्स यू इन जस्ट पॉलिशिंग योर कोडिंग स्किल्स। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत मतलब कॉलेज का भी हेल्प हो गया, बाकी आप अपना यार प्रैक्टिस कर ही सकते हो, सब आपको पता ही है आजकल तो सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। फिर बात करते हैं यार हाई सक्सेस रेट इन जीसॉक, यार एज अ मतलब इसका कहते हैं नहीं जब आप मेहनत करोगे तो भगवान फल देगा, वो वाली बात हो गई यार। जीसॉक गूगल समर ऑफ कोड, जिन्हें नहीं पता यार मतलब एक ये बहुत बड़ा टैग होता है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए, तो यार इसमें हमारे कॉलेज का सक्सेस रेट बहुत सही है, बहुत सही, मतलब एक छोटा सा कॉलेज, मतलब छोटा सा नहीं कहेंगे कैसे बोलूँ मैं यार, पॉपुलेशन वाइज छोटा होने की वजह से भी इसमें हम बात करें तो यार एवरी ईयर अराउंड 5 to 6 स्टूडेंट्स या 5 to 7 स्टूडेंट्स
हर बार हर साल जीसॉक क्लियर करते हैं यार, सीआईसी से यार बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे डीटीयू यार, जहाँ पे मतलब 4-4 हज़ार बच्चे हैं, 4-4 5-5 हज़ार बच्चे हैं यार, वहाँ से 15-16 बच्चे निकलते हैं। तो अकेला एक अकेला सीआईसी जहाँ 160-170 की कुल स्ट्रेंथ है, वहाँ पे यार बताओ अगर 5 से 7 बच्चे फोड़ रहे हैं तो कितनी बड़ी बात हो गई इस चीज़ को लेकर, सोच सकते हो। फिर बात करते हैं यार हाई एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज। यार इसके लिए तुम्हें कॉलेज बहुत बहुत तुम्हारी हेल्प करेगा, बहुत एनकरेज करेगा तुम्हें यार। वो खुद ही चाहते हैं कि तुम यार एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज में जाओ, अपने अपने स्टार्टअप्स खोलो, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। तुम यार पहले ही मैंने ये चीज़ यार पहले ही हम डिस्कस कर लिया हमने। फिर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एलम बेस, एल्यूमिनाई नेटवर्क यार अच्छा है। 2011 में यार कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो यार टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, तब भी यार एलम बेस इसका मतलब एल्यूमिनाई नेटवर्क यार काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यार स्टूडेंट्स यार वर्ल्ड वाइड फैल चुके हैं। इसका रीज़न यार ये भी कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स यार फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं मास्टर्स परस्यू करने के लिए, और आगे उन्हें यार अच्छी जॉब्स और ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, पैकेजेस और हाई मिलते हैं। तो इसलिए यार एल्यूमिनाई नेटवर्क धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है सीआईसी का। फिर यार लोकेशन नॉर्थ कैंपस, जिसकी हमने मतलब मैंने बहुत तारीफें सुना दी हैं तुम्हें, तो यार ये बहुत अच्छी लोकेशन है कह सकता हूँ। फिर यार एयर कंडीशन एंड हाई स्पीड इंटरनेट इक्विप्ड बिल्डिंग, तो हाई स्पीड इंटरनेट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं यार, पूरी बिल्डिंग में यार एसी मिलेगा तुम्हें, मतलब गर्मी में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आराम से बैठना सीआईसी में। फिर बात करेंगे यार गुड लैब्स एंड लाइब्रेरी के बारे में। गुड लैब्स एंड लाइब्रेरी की बात करें तो यार बोथ सीआईसी एंड सीएसएल मैंने यार अभी डिस्कस कर लिया तुम्हारे से कि यार एक तो यार सीआईसी की लाइब्रेरी है जिसमें तुम बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, और कुछ बुक्स हमें तुम्हें ना मिले तो यार डीयू की लाइब्रेरी है सीएसएल, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल साइंस लाइब्रेरी, यार तुम वहां जा सकते हो। वहां तो मतलब यार वो लाइब्रेरी तो मतलब भर रखी है किताबों से, वहां तुम्हें खूब सारी किताबें मिलेगी, आराम से बैठना वहाँ चिल मार के पढ़ना पूरी रात। फिर बात करते हैं यार कॉन्स की। कॉन्स में यार अब बच्चों ने सबसे पहले बोला था कि जेंडर रेशियो बोलना यार, लेकिन समझ सकते हो यार तुम फीलिंग बच्चों की। उन्होंने कहा था यार भैया जेंडर रेशियो के बारे में बताना, तो यार ये कॉन्स है सबसे बड़ा, ये मैंने यार मेंशन नहीं है किया, लेकिन हर बच्चे के दिल में है जेंडर रेशियो यार अच्छा नहीं होता। म्यूजिक यार मेन पॉइंट पे आते हैं, दिमाग खनकाओ। एज सीआईसी डजंट प्रमोट प्लेसमेंट, सो देयर इज नो ऑफिशियल प्लेसमेंट सेल ऑफ द कॉलेज। तो यार जब सीआईसी प्लेसमेंट प्रमोट ही नहीं करता, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट नहीं प्रमोट करता जैसे मैंने कहा, तो यार उनका अपना वो उनका प्लेसमेंट सेल नहीं है, बट यार मेनली जो है स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस से अप्लाई करते हैं यार प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, और उसमें यार बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बिकॉज सीआईसी के स्टूडेंट्स यार मतलब जबरदस्त हैं यार कोडिंग के मामले में और बाकी डेवलपमेंट के मामले में भी। तो यार उन्हें मतलब बड़ी सही सही जगह प्लेस हो चुके हैं यार वो, और इंटर्नशिप्स यार मैंने पहले ही बता दी हैं। और बाकी हाउएवर देयर इज एन इंडस्ट्री आउटरीच सेल, जहाँ पे यार तुम ये सीनियर्स ने यार एक इंडस्ट्री आउटरीच सेल बना रखा है, यानी कि मतलब इसमें बच्चे जो है कंपनीज को कॉलेज में इन्वाइट करते हैं फॉर द प्लेसमेंट्स। और यार आप जो है एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं, इसे कहेंगे चेरी ऑन द केक, कि आप डीयू के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं यार, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो उसका जो प्लेसमेंट सेल होता है जहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं, पीएचडी तो नहीं आई थिंक, पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं प्लेस होने के लिए, या कुछ यूजी स्टूडेंट्स आते हैं, तो यार उनके साथ आप प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो और वहां से अपना प्लेसमेंट फोड़ सकते हो। फिर यार बात करते हैं इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सोसाइटीज एंड कल्चरल काउंसिल्स। तो यार अब कुछ लोग यार यहाँ पे ऑफेंड मत होना, बिल्कुल प्लीज़, मेरा उद्देश्य किसी को ऑफेंड करने का नहीं है, लेकिन ये जो मुझे पर्सनली लगा मैंने यार यहाँ पे लिख दिया। तो यार वैसे चल रही हैं काफ़ी सोसाइटीज़, म्यूज़िक सोसाइटीज़ है, फोटोग्राफी सोसाइटी है जो अच्छे से चल रही हैं, तो उसमें यार तुम जा सकते हो। और बाकी अब इसमें एक एडवांटेज हो रहा है कि यार तुम खुद भी सोसाइटी खोल सकते हो, खुद अपने कुछ स्टूडेंट्स मिलकर यार सोसाइटी खोल सकते हो। हमारा जो मतलब डायरेक्टर से या जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हें जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो भी प्रोवाइड करवा देंगी। और बाकी कल्चरल काउंसिल्स यार ठीक चलती हैं, जैसे कि फेस्ट वगैरह जो ऑर्गेनाइज कराती है या बाकी जो वर्कशॉप्स होती हैं वो भी सही से होती है, बट बहुत अच्छे से नहीं होती ये मैं एक। फिर यार बात करते हैं लैक ऑफ हॉस्टल सीट्स के बारे में। लैक ऑफ हॉस्टल सीट्स की वजह से यार एक गुड हॉस्टल लाइफ जो होती है ना वो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज एबसेंट इन सीआई। चलो
जैसे कि यार तुम देखते हो यार, मतलब तुमने देखी है यार छिछोरे थ्री इडियट्स टाइप, यार वैसी लाइफ, मतलब वैसी लाइफ तो होती भी नहीं है, वो तो सारे फिल्मी दुनिया है, कम है तो यार बच्चे अलग अलग जगह अपने पीजी फ्लैट्स में हो जाते हैं, लेकिन यार फिर भी काफी मजे ले लेते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। तो एक हॉस्टल लाइफ की थोड़ी सी कमी है, वो यार इसमें कॉन्स में आ गई बात उसकी। ठीक है, फिर अब बात करते हैं यार फाइनल वर्डिंग के बारे में कि मेरा अपना ओपिनियन क्या है, कि मैं अपने खुद क्या कहना चाहता हूँ। तो यार इसकी अगर हम बात करें, हेवन फॉर सी एस एंथुजियास्ट, मतलब यार जो कंप्यूटर साइंस के लिए, मतलब जो जिनके अंदर डीप पैशन है कंप्यूटर साइंस को लेके, उनके लिए यार इट्स जस्ट हेवन। और एज द कोर्स इज फिल्ड विद लोड्स ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग एंड अमेजिंग कोडिंग एक्सपीरियंस, यार जिन्हें ऐसा भी नहीं कहूंगा, जिन्हें डीप पैशन है, जिन्हें कुछ को पैशन नहीं भी पता होता, लेकिन यार एक अच्छा कोडिंग एटमोसफेयर, मतलब सी एस स्टूडेंट्स जिन्हें सी एस ब्रांच ही चाहिए, उनके लिए यार एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है सी आई सी। ऑल्सो दोज हु ओनली वॉन्ट सी एस स्लैश आई टी ब्रांच इन इंजीनियरिंग, जो यार मतलब जिन्हें सिर्फ सी एस आई टी का कीड़ा होता है कि भाई हमें तो टॉप मोस्ट ब्रांच सी एस आई टी ही चाहिए इंजीनियरिंग में, लेकिन उन्हें यार मतलब आई आई टीज और टॉप एन आई टीज या दो ऊपर की दो तीन ट्रिपल आई टी हो गई, जैसे हैदराबाद दिल्ली इलाहाबाद, इनमें अगर उन्हें सी एस आई टी नहीं मिल रही है, या अपना एन एस यू टी डी टी हो गया, तो यार मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई कैन से। यार सिर्फ कोडिंग ही नहीं यार, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलेंगी, जैसे कि स्टार्टअप हो गई, ऑन्टरप्रेन्योरशिप हो गई, आप यार मास्टर्स परस्यू कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब एक अच्छी फ्रीडम मिलेगी आपको। एक चीज और है यार, मतलब अगर मैं इसे कंपेयर करूं बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से, तो यार मतलब इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस से सीआईसी लाख दर्जे बेटर, मतलब सारे प्राइवेट कॉलेजेस से लाख दर्जे बेटर है ये। और लेकिन एक्सेप्ट बिट्स, बिट्स को इसमें हम एक्सक्लूड करना चाहेंगे यार, बिट्स एक अलग ही लीग का कॉलेज हो गया, लाइक आईआईटीज के लेवल का हो गया, लेकिन यार अगर बिट्स को हटा दें तो बाकी जैसे वीआईटी थापर वगैरह हो गए, अपना मणिपाल थापर और एसआरएम, इनसे यार मतलब इनसे बहुत अच्छा है सीआईसी, बहुत लाख दर्जे अच्छा है उनसे तो सीआईसी। बाकी यार अब वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पे, आई होप तुम्हें यार वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत मेहनत करी है यार, तो वीडियो को लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना यार अपने फ्रेंड्स के साथ। अब एडमिशन सीजन आने वाला है यार, और मुझे यार बताओ तुम्हें किस टाइप के डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो, किसी को एडमिशन लेना है सीआईसी में तो कैसे क्या है, मैं यार सब बता दूंगा यार, मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, तो लिंक उसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे मुझे डीएम करना जो तुम्हारे डाउट्स हो सब करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, बाकी तुम यार कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि तुम्हें किस टाइप की वीडियोस चाहिए आने वाले एडमिशन सीजन के लिए, या कुछ सीआईसी के रिगार्डिंग ही तुम्हें चाहिए कि पेपर्स वगैरह की प्रिपरेशन के लिए, कि कैसे एंट्रेंस की तैयारी करें, सो ऑन। तो यार इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, हैव अ गुड डे, और यार जम के पढ़ो जेई वाले, खासकर जेई नीट जिनका भी यार पेपर आने वाला है, अच्छे से तैयारी करो यार, लॉकडाउन का पूरा बेनिफिट लो, पूरा फायदा लो, अच्छे से तैयारी करो, सीआईसी के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करो, और फिर मिलेंगे यार सीआईसी में, खूब मस्ती करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।